Hello friends, welcome to my channel, and today we will be completing the chapter number 9 of your book history. And the very first topic of this video is protest movements. मतलब कि अब industrialization तो हो रही थी, पर अब क्या हुआ कि जितनी उसके drawbacks थे उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो रिच लोग हैं उनके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे थे, पर जो हमारे लेबर्स हैं उन सभी की लाइफ जो है वो बहुत बुरी हो चुकी थी. तो अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में प्रोटेस्ट हुए क्यों थे. सबसे पहले अगर आप देखें, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था बिटवीन 1789 टू 1794, जिसका स्लोगन था लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. मतलब कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, मतलब फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ वो किस किस चीजों की डिमांड कर रही थी. फ्रीडम की, इक्वालिटी के लिए. फ्रेटर्निटी मींस द ब्रदरहुड. ठीक है, तो एक्चुअल में जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो इसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रांस के अंदर एक तरह से डेमोक्रेटिक चीजें आनी शुरू हो गई. जब लोगों ने मांग की कि हमें डेमोक्रेसी जैसा सिस्टम चाहिए, तब फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी आ गई और जो लोगों की हार्डशिप्स थी, जो प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व होनी शुरू हो गई. अब इसकी वजह से एक नया पॉलिटिकल आइडिया आया ब्रिटेन के लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को. क्या आइडिया आया कि जब बहुत सारे लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं तब उसका कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट निकल के आ जाता है. अब आपको पता है कि जो ब्रिटेन है उसके अंदर फैक्ट्रीज के अंदर जो वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत खराब थी, और ये जो लेबरर्स हैं इनके पास कोई भी वोट करने का राइट नहीं था. तो इन्हें चाहिए था कि हमारी कंडीशंस अच्छी हो जाएं और हमें राइट टू वोट मिल जाए. और एक और प्रॉब्लम थी जो कि था कि इंग्लैंड और फ्रांस जो है इन दोनों के बीच में बहुत सी वॉर्स होती रहती थी. अब जब भी वॉर होती है तब क्या होता है, पूरी कंट्री जो है एक्चुअल में वो डिसरप्ट हो जाती है, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो पाती. अब क्या हुआ, क्योंकि वॉर के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था, इसकी वजह से लोगों को भी एक तरह से जो है वॉर के अंदर लड़ने के लिए लेके जाया जा रहा था. तो अब क्या होगा, जब जो एक्चुअल में लेबर थे, वर्कफोर्स थी हमारी, वो वॉर लड़ने जा रही है, तो अब काम कौन करेगा. एक्चुअल में जो हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं, ब्रेड हो गया, मीट हो गया, इन्हें कौन प्रोड्यूस करेगा, इन्हें कौन प्रोसेस करेगा. इसके वजह से क्या हुआ, जो हमारे खाने की चीजें हैं वो बहुत ज्यादा कम हो गई, पर उनका डिमांड बहुत ज्यादा थी. अब क्या होगा, प्राइस जो है वो इंक्रीज कर गए. ये भी एक प्रॉब्लम थी जो वर्किंग फोर्स है हमारी इंग्लैंड की उसकी. ठीक है, अब 1795 के अंदर क्या हुआ, बहुत ज्यादा एक गलत एक तरीके से लॉज पास कर दिए गए बाय दी ब्रिटिश पार्लियामेंट. यहां पर भी पार्लियामेंट हुआ करती थी, पर पार्लियामेंट के एक्चुअल में मेंबर्स कौन है, जो रिच लोग हैं, जो मर्चेंट्स हैं, लैंड ऑनर्स हैं. तो इन्होंने एक टू कॉम्बिनेशन एक्ट जो है, दो एक्ट्स पास किए. पहला एक्ट था कि जो लोग हैं वो कोई भी इलीगल स्पीच नहीं जो है बोल नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते. किसके खिलाफ, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, उनके खिलाफ, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ. जो किंग है ब्रिटेन का उसके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो उसके साथ गलत जो है पनिशमेंट्स दी जाएंगी, ठीक है, अगर वो ऐसा करेगा. और जो इन्होंने पार्लियामेंट ने लॉज बना रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, उसके अगेंस्ट भी कोई इलीगल स्पीच नहीं बोली जानी चाहिए. अब 1795 के अंदर, मतलब 1800 होने से 5 साल पहले, एक और लॉ था, ठीक है, जो कि ये था कि 50 से ज्यादा लोग जो है इकट्ठे नहीं हो सकते. ठीक है, 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इस चीज के ऊपर, इन मीटिंग्स के ऊपर बैन लगा दी गई. एक और लॉ था जो कि बहुत ज्यादा बुरा था, क्योंकि अब हमारे प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, लोगों के पास जो ब्रेड है एक्चुअल में वो नहीं है, उसे और भी वर्स कर दिया एक लॉ ने, जिसे कॉर्न लॉ बोलते थे. ठीक है, कॉर्न लॉ क्या कहता था, जब तक आपके ब्रेड के जो दाम हैं, जो प्राइसेस हैं, एक लेवल तक इंक्रीज नहीं हो सकते, हो जाते हमारी कंट्री के अंदर, तब तक बाहर से कोई इंपोर्ट नहीं किया जाएगा इंग्लैंड के अंदर. ठीक है,
कोई भी बाहर कंट्री से ब्रेड नहीं मंगवाया जाएगा, चाहे वो सस्ता बेच रहे हो चाहे जैसा मर्जी। जब तक हमारी कंट्री के अंदर एक लेवल तक इंक्रीज नहीं हो जाएगा प्राइस, तब तक ये इंपोर्ट बंद होएगा। इंपोर्ट क्या है? कंट्री के अंदर अगर हम सामान मंगवा रहे हैं, ठीक है। अब इन सारे लॉज की वजह से क्या हुआ, ब्रेड और या के आप कह सकते हैं फूड रायोट्स होनी शुरू हो गई। रायोट्स मतलब दंगे होने शुरू हो गए। कब से? देखो अभी ये हमारे 1795 के अंदर लॉज पास हुए हैं और 1790s से ये जो है हमारे रायोट्स वो शुरू हो गए थे। अब एक और प्रॉब्लम है इनकी, क्या प्रॉब्लम है? वो है एनक्लोजर्स। एनक्लोजर्स का क्या मतलब है कि जैसे कि आपको पता है कि बड़े लैंड ओनर का जो लैंड है वो क्या होने लग गया था, उसने क्या करना शुरू किया कि ये जो छोटे छोटे आपके आसपास के फार्म्स हैं, जो छोटे फार्मर्स के जो ये लैंड है वो अपने अंदर लेनी शुरू कर दी थी। इसे बोलते हैं एनक्लोजर। अब क्या हुआ, उन्हें जो है ये अनहेल्दी कंडीशंस के अंदर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। ये जो छोटे फार्मर्स थे तो इनकी लाइफ जो है पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। दूसरी बात, जो हैंडलूम वीवर्स थे, मतलब कि हैंडलूम वीवर्स का क्या मतलब है, जो हाथ से जो है बुनते हैं कॉटन के कपड़े को या किसी भी चीज को, ठीक है। हैंडलूम के बाद कौन आ गया था, पावर लूम आ गई थी, जो कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज करके जो है काम किया जा रहा था, मशीन्स के ऊपर काम किया जा रहा था। अब ये हैंडलूम वर्कर्स के पास भी कुछ नहीं रहा, इनका क्या होगा, क्योंकि एक्चुअल में मशीन्स आ चुकी हैं। तो इन्होंने डिमांड की कि हमें लीगल मिनिमम वेज दी जाए, मतलब हमें जो है स्पेसिफाई कर दिया जाए कि इतनी वेज जो है पर डे की वो आपको जरूर मिलेगी, ठीक है, जो भी काम करोगे। अब क्या हुआ कि आपको पता है अभी ये जो फार्मर्स हैं, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, ये अभी इन्हें तो भेज ही दिया है। अब ये बड़े फार्म्स जो हैं, इनके अंदर जो लोग आते थे, जो वर्कर्स आते थे, कि जो आपकी ग्रेन है, ठीक है, ग्रेन के अंदर जो है हस्क होती है, ठीक है, हस्क जो है हमें नहीं चाहिए होती, जैसे आपकी गेहूं होती है या फिर राइस होते हैं, पैडी होती है, तो उसका एक्स्ट्रा मटेरियल जो है हमें नहीं चाहिए होता, उसे अलग करना पड़ता है राइस से और गेहूं से, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, थ्रेशिंग मशीन से आजकल किया जाता है। तो थ्रेशिंग मशीन आ गई जब, तब क्या हुआ कि एक्चुअल में जो ये लोग हैं वो पहले ये मैन्युअली करते थे, हाथों से करते थे, तो अब उन्हें बहुत प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। अब इन लोगों ने, जिन्हें ये प्रॉब्लम आएगी, हमें तो बुला नहीं रहे, मशीन से काम करा रहे हैं, उन्होंने ये थ्रेशिंग मशीन को ही जो है डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं कि कर रहे हो तो करते रहो, ठीक है। उन्होंने भी उन लोगों को जो है फांसी पर लटका देना और जेल में भेज देना, ऐसी पनिशमेंट्स वो देते थे। उसके बाद जैसे कि आपकी जो शीप होती है उसकी जब, जिसकी वूल बनती है उसके हेयर्स की, जब उसे काटते हैं उसे बोलते हैं शियरिंग करना, ठीक है, कट करना, शियर करना। तो ऐसी मशीन्स आ गई थी जो कि एक्चुअल में उसे कर देती थी। अब जो लोग पहले करते थे मैन्युअली, उसके उनके लिए एक बहुत एक्चुअल में बहुत ज्यादा लॉस की बात थी, तो उन्हें भी प्रॉब्लम होने लग गई। अब आप देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं इंग्लैंड के अंदर। अब प्रोटेस्ट के नाम पर एक नई मूवमेंट चली, शुरू हुई लुडिज्म। लुडिज्म जो है वो उसके हेड, एक्चुअल में ये मूवमेंट किसने चलाई थी, जनरल नेड लुड ने। लुडिज्म एक्चुअल में 1811 टू 1817 के बीच में जो है वो ज्यादा फैल चुकी थी, ठीक है। अब इसने बहुत सारी डिमांड्स की थी, क्या क्या, मिनिमम वेज, कंट्रोल ऑन द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्क, मतलब कि एक्चुअल में ये कितना कितना काम कर रहे हैं, जो वुमेन एंड चिल्ड्रन हैं उनके लिए इतना काम करना जो है ठीक नहीं है, तो उनके लिए लॉज बनाए जाएं कि एटलीस्ट 10 आवर्स तक ही काम करें, है ना, ऐसी सारी चीजें डिमांड की। उसके बाद कि जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो ये अनएम्प्लॉयड हो गए हैं लोग आपकी मशीनों की वजह से, उन्हें वर्क दिया जाए, ट्रेड यूनियंस बनाने का हमें राइट दिया जाए, कि हमें सही मीन हमें पता हो कि हम आपको कैसे प्रोटेस्ट करें, ठीक है। कि ट्रेड यूनियन क्या है, कि एक्चुअल में कई लोग जो हैं एक ही प्रोफेशन के इकट्ठे होके अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे तो उन्हें एक पहले ऑर्गेनाइजेशन ही बनानी पड़ेगी, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसे बोलते हैं ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन बनाने का इन्हें राइट मिले।
उसके बाद क्या हुआ, राइट्स तो मिले नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कई लोगों ने डिसाइड किया, 80,000 पीपल ने डिसाइड किया अगस्त 1819 के अंदर कि हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे वेरी पीसफुली इन सेंट पीटर्स फील्ड, ठीक है। और अब जब वो यहाँ पे 80,000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इन ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री का ही बुरा नहीं किया, अपने कंट्री के लोगों का भी बहुत बुरा कर रखा है। इन ब्रिटिशर्स ने सेंट पीटर्स फील्ड के अंदर जो है बहुत ज्यादा सप्रेशन शुरू कर दिया, इन लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिसे कि बोला जाता है पीटरलू मैसेकर। मैसेकर वर्ड है कि बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठे मार देना, उसे बोलते हैं मैसेकर, ओके। तो पीटरलू मैसेकर नाम से जो ये इवेंट है वो बहुत ज्यादा फेमस है कि इतना बुरा किया गया था। अब जब इतना सब कुछ हो गया, तब क्या हुआ कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड आई कि हमें अब पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ रिच लोग ही ना रहे, अब एक हाउस ऑफ कॉमन्स आए। कॉमन्स मीन्स कॉमन पीपल, आम आदमी।